नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। आप पूछेंगे किस शहर में, तो इससे पहले कि देखें नया शहर, डाल लेते हैं एक नजर उन चीजों पर जो जरूरी है। तो साहब, आज हम और आप कहां आ गए हैं? हम और आप आए हैं ऐसे शहर में जहां वक्त थम सा गया है। ऐसा लगता है कि 100 साल पहले आ गए हों। इस शहर को एक समुदाय ने पहचान दी है। इस शहर के नाम का मतलब है ऊंटों के चरने की जगह। चलिए, हम और आप घूमेंगे आज उदवादा। उदवादा गुजरात में एक छोटा सा गांव है जहां पिछले करीब 250 साल से पारसी समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन उदवादा के सफर से पहले ये जानना जरूरी है कि पारसी समुदाय भारत में आया कैसे, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा करीब 40 किलोमीटर दूर संजन की तरफ। आठवीं से दसवीं शताब्दी के बीच में जब अरब इन्वेजन हुआ ईरान पर, तो वहां से ज़ोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें हम पारसी कहते हैं, वो वहां से भागकर गुजरात आए, यहां संजन के बंदरगाह पर, यानी कि संजन पर। यहां के राजा थे जादी राणा, उन्होंने उनको दूध से भरा गिलास भेजा कि भाई हमारे यहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, यहां जगह नहीं है। तो पारसियों के नुमाइंदों ने दूध के गिलास में चीनी डाल के वापस भेज दी, ये कहते हुए कि जैसे दूध में चीनी मिलकर रहती है, वैसे ही हम आपके लोगों में मिलजुल कर रहेंगे। ये स्तंभ संजन में पारसी समुदाय ने अपने पूर्वजों की याद में बनवाया है, जो ईरान से पवित्र अग्नि लेकर भारत की तरफ आए थे। 1490 में जब संजन पर हमला हुआ तो पारसी समुदाय को यहां से भी भागना पड़ा। फिर जंगलों, गुफाओं, अलग अलग शहरों में रिहाइश करते पवित्र अग्नि को बचाए करीब 250 साल पहले ये आकर उदवादा में बस गए। तो ईरान शाह फायर टेंपल के बाहर हम आ गए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पवित्र अग्नि यहीं पे रखी हुई है, लेकिन चूंकि हम तो अंदर जा नहीं सकते हैं, तो ज़िनोबिया जी, जो कि अंदर जा रही हैं पूजा के लिए, अभी हमें बताएंगी कि अंदर क्या है। जब ईरान से यहाँ आए थे आफ्टर द अरब इन्वेजन, वी प्रॉमिस्ड टू मेक अ फायर टेंपल एंड वी नेम्ड इट ईरान शाह बिकॉज़ वी डिडंट हैव एनी किंग और एनीबॉडी, सो दैट इज ईरान एंड शाह। And there is nothing here but just the holy fire that burns 24/7, 365 days, and we worship that with sandalwood and bawal wood. Agni aur andar hoti hai aur ek bar room hota hai jisme hum log jaake puja kar sakte. Only the priest, jo hamare dastoor log hote hai, wo andar jaake sukhar rakh sakte. Hum log wo andar nahi ja sakte, lekin we can see the fire from outside. हम लोग उसको प्रे कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट गो इनसाइड। ये रिस्टोरेशन जो चल रहा है एंड द मॉडल दैट यू कैन सी पीछे, वो 1903 का जो मॉडल है उस पे बेस्ड है। हाँ जी, बेस्ड है। चलिए, हम कोशिश करेंगे, हम असल में अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश जरूर करेंगे कि ढूंढ के आपको दिखाएं कि अंदर कैसे होता है। ये फायर टेंपल कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन जब हम पहुंचे तो यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, और इस वक्त ईरान शाह की पवित्र अग्नि इसके पास ही एक दूसरी इमारत में स्थापित कर दी गई है। भाई देखिए, ज़ोरास्ट्रियन हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो खाली फायर टेंपल घूमने से पता नहीं चलता है। यहाँ पर एक ज़ोरास्ट्रियन म्यूजियम भी है उदवादा में, और सामने घुसते ही आई लव उदवादा का साइन भी लगा हुआ है। तो हम अंदर जा रहे हैं बिकॉज वी लव उदवादा, तो आगे जाके देखेंगे अंदर ज़ोरास्ट्रियन हिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। इस म्यूजियम में न सिर्फ ईरानी पारसी सभ्यता के बारे में ज़रूरी जानकारी मिलती है, बल्कि कुछ चीज़ों को समझाने के लिए मॉडल्स भी बनाए गए हैं।
भाई देखिए असली फायर टेम्पल में तो हम जा नहीं सकते थे अंदर क्योंकि हम पारसी नहीं हैं, लेकिन इस म्यूजियम में इस फायर टेम्पल का एक मॉडल बनाया गया है कि अंदर जो पवित्र अग्नि जलती है वो कैसी दिखती है। चूँकि हम पारसी नहीं हैं तो हम उस जानकारी के लिए मॉडल से ही काम चला लेते हैं। म्यूजियम से निकल के हम चल पड़े ढूंढने यहाँ की मशहूर ईरानी बेकरी। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, वी गुड टू सी यू। मैंने बड़ा नाम सुना आपका, ढूंढते ढांढते मुझे जिनोविया जी ने बताया कि आपके यहाँ पहुँच जाऊँ। तो ये बताइए कि ईरानी बेकरी में इतने सौ डब्बों में भर के क्या रखा हुआ आपने, मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर, प्लीज कम इन। सर ये बताएं इन डब्बों में है क्या क्या, मैं देख सकता हूँ सब में क्या क्या? श्योर श्योर, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। These are known as makhaniyas. Makhaniya hai ye? Yeah, these are known as kharis. Khari. Acha, ye chai ke sang dubo ke khate hain. This is known as naan khatai. Ye mujhe khana hai, main le sakta hu ek? Please, haan, please. Ye maine bada bada suna hai ki Irani naan khatai se badhiya kuch. We do them in cow's milk specially, you know, and cow ghee, which is our speciality, you know, what we do it in. Ye jo suna hai ki Irani naan khatai se badhiya kuch nahi hota. बिल्कुल सही सुना है, 16 आने खरा है। थैंक यू वेरी मच। ईरानी बेकरी का जो अलग क्या होता है कि जो बाकी बेकरी से नहीं होता है? यूजुअली ईरानी बेकरी जो ओरिजिनल थी वो हम लोग वुड फायर बेकरी बोली जाती थी। ये ट्रेंड जो होता है अभी भी हम लोग चलाते हैं और उसके अंदर जो टेस्ट जो वुड का जो खींचता है ना वो अलग ही आ जाता है इफ यू गो टू सी। और जो आइटम्स आप बनाते हैं तो ये बेसिकली रस्ट टाइप की चीज है? नो, रस्ट इज दिस, ये है, ये हो गया कि हमको शक्कर कम होना चाहिए। शक्कर कम होना चाहिए, सो हम लोग शक्कर कम करते हैं, यू नो, इसके अंदर कड़क ब्रून पाव बोला जाता है ना, मगर उसमें क्या होता है कि ये चीज जो आप चाय में डाल दोगे तो आपकी चाय गायब हो जाएगी एंड दिस विल टर्न वेरी सॉफ्ट। यही कुछ चीजें जो हमको बाकी जगह नहीं मिलती है। सही बात है, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। ये आप थोड़ी सी मुझे नान खटाई मेरे लिए पैक कर दीजिए प्लीज। श्योर। ये है मावा केक्स, ये स्पेशलिटी है, प्योर मावा होता है, एग होता है, इलची जायफल होता है, वी बीट इट अप एंड वी बेक इट। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, ये भी मैं लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मावा केक खाकर वक्त था इन गलियों में एक आखिरी चक्कर फिर लगाने का और ठहरे हुए वक्त को एक बार फिर देखकर सुकून के एहसास का। तो साहब आज का सफर समाप्त होता है यहीं पर, लेकिन कहानी बहुत सिंपल सी है कि अगर दूध में चीनी घुल मिल के रहती है तो उसका नतीजा एक ही होता है कि मिठास बढ़ेगी ही। हम और आप मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ खाते कुछ बनाते या फिर कुछ ऐसी ही सुंदर सी जगह देखते घूमते घुमाते। ABP News आपको रखे आगे।